तो जैंत बच्चों एज़ आई प्रोमिस्ड हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया सीरीज़ कर रहे हैं तो आपका अब जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लॉर्ड लिटन तो नॉर्थ ब्रुक तक मैंने पिछले लेक्चर में कर लिया है आप लोग रेफ़र कर सकते हैं 1857 का रिवॉर्ड भी आप रेफ़र कर सकते हैं और प्रीवियस टॉपिक्स डलहौजी वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक या उससे पहले के जो वॉयस और हैं आप उसमें जो है गवर्नर जनल्स हैं वो आप लोग क्या कर सकते हैं रेफर कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में प्ले में आप जा सकते हैं तो नाउ कम टू द पॉइंट वी स्टार्ट विद लॉर्ड लिटन तो लॉर्ड लिटन जो है आपके पास वॉइस राय बन के आया था 1876 में और 1880 18, एटीन 18 तक जो है इसका टेन्योर रहा है तो so 1876 1876 से 1880 के बीच में जो है इसका टेन्योर रहा तो so पहला जो आप काम इसके मैं बोलूँगा वो है आपके पास रॉयल टाइटल्स एक्ट एटीन जिसके बाद जो है आपके पास जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का यानी कि कैसे रही इनका आपका जो है टाइटल दिया गया और पहला दिल्ली दरबार हुआ तो पहला ग्रैंड दिल्ली दरबार या खाली ग्रैंड दरबार भी आप बोल सकते हो इट वॉज़ ऑर्गेनाइज इन 1877 याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल में आपके पास क्वीन विक्टोरिया का मैसेज भी इंस्क्रिप्टेड है कलकत्ता अगर कभी जाना होगा तो देखिएगा तीन दरबार हुए हैं पहला 1877 में हुआ था दूसरा 1903 में हुआ था और तीसरा आपके पास 1911 में हुआ था तो फर्स्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1877, सेकंड वाज इन 1903 एंड थर्ड वाज इन 1911. तो थ्री ग्रैंड दरबार्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया राइट लास्ट आपका फोर्थ भी कह सकते हो इट वाज इट हैड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन 1837, 1837 में होना था पर क्योंकि जो महाराजा जॉर्ज थे उसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये मना किया गया था कि आप जो है भारत में जाओगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है इस वजह से फोर्थ नहीं ऑर्गेनाइज हो पाया तो तीन आपके ग्रैंड दिल्ली दरबार या आप ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज़ हुए हैं पहला हुआ था 1877 में इसके अलावा आपको बता दूं उसी बीच में बहुत बुरा दक्कन में फेमाइन हो रहा था तो एक जगह उत्सव चल रहे थे और एक जगह मौतें हो रही थी लाखों करोड़ों लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए कई लोगों की इनकी मौतें हो गई जिसके बारे में कई आपका लिटरेचर्स में लिखा है तो उसके बाद जो है आपके पास स्टार्ची कमीशन अपॉइंट किया गया था इसको चेक करने के लिए फेमाइन को इन 1878, जिसके रिकमेंडेशन इतनी सफिशेंट नहीं थी कि भारत में फर्दर फेमाइंस को रोक सकें और ये फेमाइन बार बार आए अलग अलग इलाकों में नाव नेक्स्ट लॉर्ड लिटन के बारे में तो लॉर्ड लिटन की जो मानसिकता थी वो थोड़ी इम्पेरलिस्ट काइंड ऑफ थी आपके पास एक कॉलोनियल माइंडसेट था तो आपका जो है इन्होंने क्या किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर कोई भी भारतीय भाषा का अखबार है उसको अपनी एक कॉपी जो है सरकार को जमा करनी होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अथॉरिटी होगी कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ पाता है जो सरकार के ख़िलाफ़ हो तो वो क्या कर सकता है प्रेस को सीज भी कर सकता है तो ये प्रेस को बांधने की बात है तो कई अखबार उसमें जो है आपके पेनलाइज हुए इसके अलावा एक कलकत्ता की आपके पास अमृत बाज़ार पत्रिका ठीक है तो आपने नाम सुना होगा वो आपकी जो है रातों रात जो है अंग्रेजी में बदल दी गई थी तो अमृता बाज़ार पत्रिका को किस में बदल दिया गया आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा में बदल दिया गया फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके अलावा जो आर्म्स की सेल परचेज है और रख रखा रख रखना है वो भी बैन कर दिया गया इंडिया में या कह सकते हैं आप लोग रेगुलराइज किया गया लाइसेंस किया गया और आर्म्स एक्ट 1878 लॉर्ड रिटन ने लाया इसके अलावा इसका एक माइंडसेट था कि जो इंडियंस हैं वो आपके हायर सिविल सर्विसेज में ढंग से ना पहुंच पाए क्योंकि एग्ज़ाम भी लंदन में कंडक्ट होता था प्रोसीजर प्रोसीडिंग्स और आपके पास जो प्रिपरेशन है वो भी लंदन में होती थी तो किस साल की उम्र तक भी आ, क्योंकि कहीं भारतीय पहुँच ना जाए तो इसके लिए उसने क्या करा मैक्सिमम एज ऑफ अपेयरिंग सिविल सर्विसेज़ को बदल दिया इक्कीस से उन्नीस साल इसके अलावा आपके पास सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई 1878 से एटीन और उसके बाद जो उस वॉर का कंक्लूज़न हुआ दैट वॉर ट्रीटी ऑफ गंडामक तो ट्रीटी ऑफ गंडामक हुई विद अफ़गान अमीर्स जिसके बारे में हम लोग अलग से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अफ़गान वॉर्स वगैरह तो ट्रीटी साइन हुई थी 1879 में तो सेकेंड अफ़गान वॉर हुई 1878 से 1880 एटी डाट इज़ ऑल्सो अंडर आपके पास वॉयसॉय लिटन अगला आपके पास जैसे एक Uh, कह सकते हैं इंडियंस के जो बुरा व्यक्ति गया उसके बाद इंडियंस के लिए एक अच्छा व्यक्ति आया एज वॉइस हो रहा है और उनका नाम है द मार्कस ऑफ रिपन या लॉर्ड रिपन देखो याद रखना आप लोग कभी भी जब वॉयसराय पढ़ोगे या गवर्नर जनरल्स पढ़ते हो तो उसमें आपके पास तीन वर्ड आपको देखने को मिलते हैं और ये इंग्लैंड के आपके लॉर्डशिप से प्रभावित हैं तो वहाँ पे जो लॉर्डशिप है उसमें मेनली जो ऊपर के तीन रैंक्स हैं वो आपके मैं बताता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी प्रिसीडिंग्स यानी कि आपके पास उनके वैल्यू या स्तर के बारे में तो इंक्रीजिंग लेवल में बताता हूँ सबसे नीचे होगा अर्ल फिर होगा मार्कस और फिर होगा ड्यूक तो अर्ल मार्कस और ड्यूक याद रखना ये तीन आपके पास होते हैं तो जिन आपके पास कई बार वॉइस और आई या किसी आपके पास जो पुराने जमाने के इंग्लिश लॉर्ड्स हैं उनके नाम के आगे लगता है ड्यूक मार्कस और अर्ल तो समझ लेना अर्ल नीचे फिर मार्कस फिर ड्यूक ठीक है तो आपका 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन रहे हैं तो इनके समय में पहला फैक्ट्री एक्ट आया एटीन का और ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये आपके पास ह्यूमन कंडीशन देने के लिए है इन द फैक्ट्रीज ठीक है इन द फैक्ट्रीज तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय में आया हाँ है आपके पास कौन सा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट तो इट इट एम टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर इसके अलावा इसने जो है आपके पास जो आपके चिल्ड्रेन है ठीक है उनको आपके पास डेंजरस मशीन से दूर रखने के लिए क्या किया रेगुलराइज किया राइट उनको क्या किया गया कि आप जो है उनसे डेंजरस मशीन से आप उनमें काम नहीं करवाएंगे उनका एम्प्लॉयमेंट क्या दिया कर दिया गया प्रोहिबिट कर दिया गया सात साल से छोटे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया सात से बारह बर्स के उम्र के बच्चों के लिए मैक्सिमम नौ साल की ड्यूरेशन काम की लगाई गई राइट और डेंजरस मशीन को क्या किया गया फेंसड करने के लिए बोला गया ताकि आपके पास कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसके अलावा आपके पास जो बीच में क्या किया गया बीच में आपके पास एक घंटा जो लंच टाइम वाला प्रोविज़न है वो भी इसी समय ऑन किया गया याद रखेगा इसके अलावा महीने में जो आपके पास चार कैज लीव्स हैं उसका भी प्रोविज़न किया गया जैसा आप लोग आप बोलते हो संडे वाली छुट्टी तो चार फैक्ट्रीज में क्या होता है ऐसा नहीं होता संडे नहीं होता वीक में आपको एक छुट्टी मिलती है तो आपको चार डे लीव्स पर मंथ के जो है कंपलसरी किया गया राइट इसके अलावा इसके इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए गए और फर्दर 1885 में जब रिपन चला गया था तो फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट किया गया था तो फैक्ट्री एक्ट 1881 याद रखिएगा इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जैसे आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चेक है होंडी है राइट सिक्योरिटीज़ है तो आप क्या करते हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चेक में लिख के देते हो तो उसके बदले आपको हार्ड करेंसी आप ले सकते हो इवन इन द प्रजेंट एरा आप लोग जो हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये आप क्या कर रहे हो आप प्रोमिसरी नोट दे रहे हो कोई कि ये चेक क्या है एक प्रोमिसरी नोट ही तो है वो आपका बैंक उसके पीछे गारंटी दे रहा है आपके लिए ठीक है कि आपके बैंक में अकाउंट में पैसा है तो बैंक ने आपको चेकबुक इशू करी है आप उसमें लिख के दे रहे हो और आपके खाते से पैसा वो बैंक निकाल के दे देगा तो दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो है पास किया गया टू कंट्रोल दीज एक्टिविटीज़ प्रोमिसरी नोट्स चेक हुंडीज एक्सेट्रा को कंट्रोल करने के लिए राइट इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपके पास जो 1878 का जो है आप याद रखिएगा जो 1878 का आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको क्या किया गया उसको रिपील कर दिया गया ख़त्म कर दिया गया इसके अलावा जो लॉर्ड रिपन है वो बोलता है कि जो जुडिशरी है उसमें आपके पास एथेनिसिटी और कास्ट और सॉरी एथेनिसिटी और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नस्ल उसका भेद नहीं होना चाहिए जुडिशरी में तो उसके लिए इलबर्ट बिल जो है लाने की कोशिश करी उसमें यह था कि आपके पास एनी इंडियन मजिस्ट्रेट को ट्राई एनी यूरोपियन कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी यूरोपिय को क्या कर सकता है उसका केस की सुनवाई कर सकता है भारतीय मजिस्ट्रेट राइट इसके लिए जो है काफ़ी विरोध हुआ तो आपके पास काफ़ी विरोध हुआ इलबर्ट बिल का जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या बोला कि अब जो है इन्फीरियर लोग हमें क्या करेंगे ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इलबर्ट बिल का याद रखिएगा इलबर्ट बिल का बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी कई बार आया है तो फाइनली जो है ये हार के जो लॉर्ड रिपन थे इसे को मॉडिफाई करना पड़ा क्या करना पड़ा मॉडिफाई करना पड़ा और इन्होंने बोला कि आपके पास किसी भी अंग्रेज को ट्राई करने के लिए जजेस होंगे और बारह जज होंगे जिसमें सात यूरोपियंस होंगे या अमेरिकन होंगे तो इस तरीके से इसे परिवर्तित कर दिया गया बाद में इसका कोई आपका वैल्यू रह नहीं गई राइट right. तो वेरी कॉम्प्रोमाइज मैनर में इसको जो है क्या किया गया वेरी कॉम्प्रोमाइज मैनर में इससे सेटल किया गया इस एल्बर्ट बिल को 1883 के इसके अलावा आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई 1882 में बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी वॉज इन लाहौर नाउ इट इज इन इंडिया ये आज की डेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में राइट right. <coughs> और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर अभी भी है <coughs> इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 1882 याद रखिएगा रिजोल्यूशन पास किया रिजोल्यूशन है एक्ट नहीं है और ये याद रखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है तो आपके पास जो लॉर्ड रिपन है ये आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या है ये फादर है और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का लॉर्ड मेयो है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाया आप जाके देख सकते हैं इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर लॉर्ड विलियम सॉरी सर विलियम हंटर इसे हम लोग हंटर कमीशन भी बोलते हैं एटीन का इसमें क्या हुआ था आपके पास जो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल प्राइमरी एजुकेशन इस पर फोकस करने के लिए बोला गया तो आपके पास हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन आपके पास ये अपॉइंट किया गया राइटर याद रखिएगा हंटर कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो लार्ज नंबर ऑफ व्हाट आपके पास प्राइमरी स्कूल इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन है शुड बी इन द मदर टंग ये भी बोला गया कि आपके जो अपनी उसकी मात्र जबान है उसमें जो है उसकी एजुकेशन उसे दी जाए इसके अलावा मॉडल गवर्नमेंट हाई हाईस्कूल्स को रिकमेंड किया गया ठीक है मतलब आपके पास मॉडल हाई स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया इसके अलावा बोला कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए और कोई रिलीजियस टाइप की टीचिंग नहीं होनी चाहिए ये आपके हंटर कमीशन ने बोला इसके अलावा इसने बोला कि आपके पास जो आपके जो एजुकेशन से दूर हैं लाइक मुस्लिम्स उनको जो है आप लोग क्या करेंगे आप कोशिश करेंगे उनको एजुकेशन में लाने के लिए तो हंटर कमीशन वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स एजुकेशन इन इंडिया ठीक है अपॉइंटेड बाय लॉर्ड आपके रिपन क्लियर तो उसके बाद इसने हाँ एक और चीज़ है इसके बाद ये भी बोला कि आपके बाद जो है प्राइमरी होगी उसके बाद आपके पास हायर एजुकेशन होगी दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद जो आपके पास कॉलेजेस वगैरह कॉन्सेप्ट इसके अलावा पहला रेगुलर साइंसेस ऑफ एटीन ये पास हुआ आपको याद होना चाहिए एटीन का पहला जो है पहला 1872 है वाला इसके बाद जो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ जो आपका चल रहा है आ, किसके अंडर में आता है मिनिस्टर होम अफेयर्स गृह मंत्रालय में आता है आज की डेट में राइट right? तो 1881 से आपका रेगुलर जो है आपके पास सेंसस स्टार्ट हुए 1881 याद रखिएगा इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने जो है फेमाइन कोड्स जो है आपके पास किए 1883 में और इसके अलावा दोबारा से जो आपके पास मैक्सिमम एज ऑफ अपेयरिंग इन सिविल सर्विसेज वो इंक्रीज़ कर दी गई 21 जो जो पहले आपके लिटन ने कम कर दी थी ठीक है इसके अलावा आपके पास बाद में आए लॉर्ड डफरिन ये एक मिनट हाँ ये हेडिंग है लॉर्ड डफरिन तो लॉर्ड डफरिन है इंपॉर्टेंट है 1884 से 1888 लॉर्ड डफरिन के समय में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अट्ठारह बिल्कुल याद रखेगा इसके अलावा आपके पास बेंगौल टेनेंसी एक्ट है 1885 इसके अलावा थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर है 1885 ठीक है राष्ट्रीय कांग्रेस की हाँ एक बात और बता दूं जो आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस है ऐसा बोला जाता है कि डफरिन का क्या है सेफ्टी वॉल्व है कांग्रेस ऐसा कई लोग बोलते हैं कि बाई चांस आपके पास क्या है जब भी देश में प्रेशर बढ़ेगा राष्ट्रवाद का तो आप कांग्रेस का झुंझुना बजा सकते हैं सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज़ कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट कई हिस्टोरियंस ने भी दिया है राइट किसका आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है सेफ्टी वॉल्व तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था और एओ ह्यूम ने इसकी जो है आप कह सकते हैं फाउंडर मेंबर थे एओ ह्यूम और डब्लू सी बैनर्जी इसके पहले क्या होंगे आपके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष थे डब्लू सी बैनर्जी याद रखिएगा 1885 के आपके बॉम्बे में इसका जो है आपका पहला आपका सेशन हुआ संस्कृत कॉलेज में सेवेंटी टू डेलीगेट्स इस पर हुए थे आपके आए थे टू वन इट्स इस्टेब्लिशमेंट टू प्लेस और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे इस चीज़ को तो अगला है बंगाल टेनेंसी एक्ट एटीन इसके अलावा थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुई और पहली एटीन में हुई सेकेंड वाली आपके पास लॉर्ड डलहौजी मैंने बताया था आप वीडियो में देखना प्रीवियस वीडियो पढ़ी है और सेकेंड जो आपके थर्ड जो है आपके पास इसमें क्या क्या एटीन एटी में बर्मा को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करके उसे जब भारत के प्रोविंस बना लिया गया और उसकी रंगून को उसकी कैपिटल बना दिया गया और 1935 तक बर्मा जो है वो आपका भारत का एक प्रांत बन के रहा 1935 में इसे सेपरेट देश बना दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया के लिए अलग आया राइट right? जो तो बर्मा को सेपरेट कंट्री टाइप बना दिया था नाउ कम टू द पॉइंट लॉर्ड एल सेडाउन से नाइन्टी लॉर्ड लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपकी जो मिनिमम इच्छा की जो उम्र है शादी की वो आपके पास जो है 12 साल बना दी गई एक लड़की से पूछने की कि 12 साल की लड़की एक्चुअली क्या हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ई पी एफ एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था रखमा बाई केस आई थिंक जितना मुझे याद है तो रखमा बाई केस जो है बेसिकली रखमा बाई जो एक डॉक्टर थी उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और बाद में वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी तो बी एम माला जो एक पारसी रिफॉर्मर थे उनकी मदद से एक कोर्ट में गई जहाँ पर कोर्ट केस हारी भी हैं बाद में जो है फाइनली हायर अथॉरिटीज़ के इंटरफेरेंस के बाद जो है इन्हें सेपरेशन मिला और लॉ आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट एटीन नाइन्टी वन पास हुआ बी एम माला जो आपके एक पारसी रिफॉर्मिस्ट हैं पारसी सुधारक हैं उनकी मदद से पारसी आपको पता है एक अलग सेपरेट रिलीजन है ठीक है दैट इज़ सिचुएटेड आपके जो है बहुत कम पॉपुलेशन है इंडिया में जो आपके रतन टाटा है ना और आपके पास जो साइंस मिस्त्री थे और आपके पास कौन जनरल मोनिक्शा जो फील्ड मार्शल मोनिक्शा बने वो सब किस कम्युनिटी से आते हैं पारसी कम्युनिटी से आते हैं राइट तो आपके पास एज ऑफ कंसेंट एक्ट एटीन पास हुआ क्या करने के लिए टू तो प्रोहिबिट द मैरिज ऑफ गर्ल अंडर ट्वेल्व इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नाइन्टी टू और इसके अलावा सेकंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 तो सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 पहला आपके पास रिपन के समय है दूसरा आपके पास किसके समय है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में इनके नाम पे लॉर्ड लैंड के समय में याद रखिएगा इनके नाम पे जो है दहरादून मतलब उत्तराखंड में सॉरी देर इज़ अ एरिया नोन एज लैन डाउन वहाँ पे आपका गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर है यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस सेकेंड फैक्ट्री एक्ट तो इसमें बोला गया कि साथ साथ से छोटे बच्चे के जो आपका है एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन है इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट इन सोशल सिक्योरिटी सेक्टर ऑल्सो अगला है आपके पास ड्यूरेंट कमीशन अपॉइंट किया गया 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के जो डिस्प्यूट है बॉर्डर डिस्प्यूट है इसे रिजॉल्व करने के लिए और आपको पता है भारत और आज की डेट में फिर पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रेखा है उसे कहते हैं ड्यूरेंट रेखा राइट अगला इंपॉर्टेंट जो आपके पास वॉइस हो रहा है वो है आपके पास लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इस समय भी आपके पास जैसे लॉर्ड लिटन था उसी तरह के विचारधारा के व्यक्ति हैं पहला आपके पास बता दूं मैं आपको नाइनटीन से 1900 के बीच में ग्रेट इंडियन फेमाइन आया था लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए कई लोग इसमें मारे भी गए इसके अलावा यू में क्वेश्चन आया है नाम बदल दिया मुंडा को तो उल नाम का जो आपके पास मुंडा है रिबेलियन हुआ जो बिरसा मुंडा ने लीड किया 1899 से 1900, बिरसा मुंडा याद रखिएगा झारखंड तो उन्होंने क्या करा मुंडा ट्राइब्स को आपका क्या किया लीड किया और आपका विद्रोह कर दिया अगेंस्ट द इम्पेरियल रूल विदेशी शासन के खिलाफ तो उसे हम लोग उलगुलान रिवॉल्ट भी कहते हैं यूपीएससी 2020 में इसी नाम से ये सवाल पूछा गया इसके अलावा 1901 में कृषि विभाग की स्थापना हुई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इस्टैब्लिस्ड और ए आर आई पूषा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग बोलते हैं पूसा बिहार में वो स्टैब्लिश हुआ नाइनटीन जीरो फाइव में इनके टेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मानी जाती है दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसकी वजह से आपका स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ उन्नीस सौ पाँच से उन्नीस सौ आठ स्वदेशी मूवमेंट तो स्वदेशी आंदोलन इनके समय अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन हुआ और बंगाल का पार्टीशन किया इन्होंने दो भागों में एक हिंदू मेजोरिटी एक मुस्लिम मेजोरिटी एक ईस्ट पोर्शन एक वेस्ट पोर्शन ईस्ट पोर्शन में मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्ट पोर्शन में हिंदू ज्यादा थे तो इन्होंने बोला कि ये प्रशासनिक सुविधा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हालांकि ये किस लिए था ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं था इसके अलावा यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट नाइनटीन जीरो जो इसी के रिकमेंडेशन पे आधारित था वो पारित हुआ तो इसे हम लोग रेले कमीशन भी बोलते हैं ठीक है और इसके बाद जो यूनिवर्सिटी कमीशन है इसके बाद जो है आपका सरकार ने यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज पे जो है आपका कंट्रोल लिया राइट आपके जो है और यह चीज पे भी ध्यान रखा गया कि यूनिवर्सिटी डू नॉट बिकम द फैक्ट्री ऑफ द रिवोल्यूशन क्रांति के जो है आपके पास फैक्ट्री ना बन जाए इसके अलावा प्राचीन जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं स्मारक हैं उनको बचाने के लिए एंशेंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट राइट right? इसको जो है पारित किया गया 1904 में 1904 में बात समझ में आई इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ठीक है 1904 जीरो फोर टू कर्व द प्रेस ताकि प्रेस को कंट्रोल किया जा सके तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 इसके अलावा मैंने आपको बताया था फर्स्ट लिटन के समय में हुआ था ग्रैंड दिल्ली दरबार सेकेंड किसके समय में हुआ है कर्जन के समय हुआ है 1903 में इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है सर एंड्र्यू फ्रेजर के अंतर्गत जो है आपके पास पुलिस रिफॉर्म्स हुए और पुलिस कमीशन की स्थापना हुई 1902 में 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के अंतर्गत पुलिस कमीशन की स्थापना हुई ताकि पुलिस कमीशन को क्या किया जाए पुलिस को क्या किया जाए आपके पास चेंज किया जाए उसके मॉडर्न सिस्टम लाया जाए जो आज की आप मॉडर्न पुलिसिंग देखते हो वो आपके पास इट इज़ ड्यू टू द नाइनटीन ठीक है लॉर्ड कर्जन के बाद से ये रिफॉर्म्स हुए पुलिस रिफॉर्म्स इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे आप लोग पाकिस्तान में आज के डेट में खैबर पखथुनबा कहते हो जो अफगानिस्तान का बॉर्डरिंग इलाका है जहाँ का आपके पठानस होते हैं 1901 में एन की स्थापना हुई राइट स्वदेशी मूवमेंट मैंने बता दिया था इसके अलावा बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल ठीक है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी 1904 में किसने एनी बेसेंट ने याद रखेगा अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट है यंग हस्बैंड जो थे उन्होंने क्या किया तिब्बत का एक्सपेडिशन किया ठीक है 1903 1904 में बिल्कुल आपके पास खुफिया तरीके से आपके पूरी तिब्बत की सीमाएं मेज़र करना था सर्वे करना था तो आपके पास यंग हस्बैंड जो है आपके एक अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी उनके अंतर्गत जो है आपके पास ये सीमा ताकि चाइनीज़ सीमा का रिजोल्यूशन हो सके तो पूरा ये तिब्बत का साथ जो हमारा जो उस समय का ब्रिटिश इंडिया था उसका क्या करना आपका पूरा सर्वेक्षण किया गया था और ये आपके सर्वेक्षण करवाया गया अंडर यंग्स हस्बैंड राइट तो यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन है टू तिब्बत अंडर फ्रांसिस यंग हस्बैंड इन 1903 1904 ये लॉर्ड कर्जन के समय की चीज़ें हैं तो आपको ये पॉइंट बनाने हैं इन पॉइंट्स को आप लिखिए बाकी हम लोग डिटेल वीडियो में कल फिर मिलेंगे तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द सेशन जय हिंद जय जै भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू